नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज स्वतंत्रता सेनानी लाल से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने संग्राम सेनानी से का हाल जाना, वहीं उनकी सर्जरी के लिए उन्हें मैक्स अस्पताल में भेजने के डॉक्टरों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सारे इलाज का खर्चा सरकार की ओर से किया जाएगा। वहीं इस दौरान अस्पताल में भर्ती चिंद्रिया लाल जी ने कहा कि वह चाहते हैं कि सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए अलग से भवन बनाए और साथ ही उन्हें राष्ट्रीय सेनानी घोषित करें। उनके बेटे ने भी सरकार से यही मांग की है। रोटरी क्लब रुड़की द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया है। रोटरी क्लब रुड़की ने होटल लोटस में 3 दिवसीय कृत्रिम अंग लगाने का काम शुरू किया। वहीं थापर ज्यादा लोगों को आने के बाद अब इस बड़ा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अब ये कैंप 5 दिन तक चलेगा। आपको यह भी बता दें कि रोटरी क्लब द्वारा यह कैंप लगाया गया है और उसमें कृत्रिम अंग लगाए जा रहे हैं, जिसमें अब तक 104 ऐसे लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं जिनके अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोग इन अंगों के लगने के बाद अपने कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कि हमारे पे विकलांग लोगों की इतनी तादाद बढ़ गई थी कि हमें संभालना भारी होता। कल भी हमने 24 लोगों को अंग लगाकर भेजा, जिनके दो दो हाथ या दो दो पैर कटे हुए थे उनको भी। आज भी 26 लोगों को अंग लगाए जाने हैं। कल के लिए हमारे पास 51 ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो इसलिए हमें अपने शिविर को अगले 3 दिन के लिए और बढ़ाना पड़ा है। हमने डॉक्टर से जो है मदद मांगी थी। हमारे बीच में अशोक अरोड़ा जी, जो हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष हैं यहाँ के, जिनकी बदौलत ये इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब रुड़की के हमारे चेयरमैन अशोक अरोड़ा जी, सचिन गुप्ता जी, रितु जी, नवीन बंसल जी और सभी हमारे सम्मानित सहयोगी साथी, जो सभी सम्मानित हमारे वाइस चेयरमैन, अभी गगन जी दिखाई नहीं दे रहे, गगन जी भी बहुत बढ़ चढ़ करके। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे युवा चेहरे इस तरह से समाज सेवा के काम में आगे बढ़ करके आ रहे हैं। चमोली जिले के पिंटरघाटी में श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल नारायण भगड़ का 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं की है। एसडीआरआर की 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आगाज हो गया है। प्रतियोगिताओं का आगाज प्रधानाचार्य शंकर सिंह चौहान, दिनेश मदौली, अरुण परिहार और चंद्रा रावत, शिक्षक शिक्षिकाओं ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करने के साथ शुभारंभ किया। खेलकूद प्रतियोगिताओं के प्रारंभ में नर्सरी कक्षा की म्यूजिकल चीयर रेस में आर्यभट्ट हाउस से देहान प्रथम और रमन हाउस की भूमिका द्वितीय तथा रामानुजन हाउस की निशा तृतीय स्थान पर रहे। और भी कई कार्यक्रम हुए। वहीं इस अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाओं ने पहले दिन के खेल प्रतियोगिताओं को बिना किसी समस्या के संपन्न कराया। मैं रॉक रेस और सिंपल रेस और चेयर रेस में फर्स्ट आई हूँ। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, आप भी ऐसी मेहनत करके फर्स्ट आ सकते हैं। आज हमारे स्कूल में जो गेम्स हो रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स हुए और जो छोटे बच्चे उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से खेला और जो बड़े बच्चे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेला। हमारे भी गेम्स हुए और मैं रेस में 3rd पोजिशन मैंने प्राप्त की और जो हमारे टीचर्स थे वो भी हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारा सहयोग कर रहे हैं ताकि हमारी पोजिशन आए। यहाँ पर काफ़ी वक्त से यहाँ पर अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है बचपन लगातार। और हमारे जो खेल उत्सव, वार्षिक खेल उत्सव स्पोर्ट्स वीक के नाम से ये जाना जाता है, साल के अंत में सर्दियों के इस टाइम पे हम ये खेल उत्सव कराते हैं, स्पोर्ट्स वीक के रूप में ये जाना जाता है। इसमें हमारा मुख्य ध्येय क्या होता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट, कुल मिलाकर हम यहाँ पर ऑलराउंड डेवलपमेंट का हम सोचते हैं। और प्रत्येक चीज़ें यहाँ पर हमारा जो मुख्य ध्येय होता है कि प्रत्येक बच्चे को पार्टिसिपेट किया जाए। मैंने 100 मीटर रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
जिस स्थान को प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें और जी जान की मेहनत करके फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये हमारा जो वार्षिक खेल महोत्सव है ये 4 दिन तक चलेगा और इसमें अलग अलग तरह के जो खेल इवेंट हैं वो यहाँ पर संपन्न किए जाने हैं। इसमें नर्सरी से लेकर के और क्लास 8 तक के हमारे जैसे कि म्यूजिकल चेयर रेस और छोटे नर्सरी के बच्चों के लिए फ्रॉग जंप रेस और जलेबी रेस भी कल यहाँ पर होनी है। इसके अलावा 100 मीटर और 50 मीटर रेसेस, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, गोला फेंक और हाई जंप, लॉन्ग जंप और इस तरह के इवेंट्स यहाँ पर होने हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड में इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल छाए हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही विभाग ने मौसम साफ रहने की भी उम्मीद जताई है। और अभी 8 से 10 दिन जो प्रेडिक्शन दिखा रहा है तो उसमें कोई एक्टिविटी विशेष है नहीं, तो जो मौसम ड्राई से चल रहा है वैसे ही रहने वाला है। आज आप देख रहे हैं कि थोड़ी क्लाउडिंग है, तो एक पश्चिम विक्षोभ निकल रहा है लेकिन उसका असर यहाँ नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर या उसकी हाई रीजन में थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन ये उत्तराखंड पर उसका असर इतना कोई आता दिख नहीं है। कल थोड़ी क्लाउडिंग और बढ़ेगी, हो सकता है ठीक है हाई रीजन उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ की उनमें जो है छुटपुट या कहीं एक्टिविटी हो, पर और जगह उसका असर दिखने वाला नहीं है। क्लाउडिंग जरूर कल आपको सीधा लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधन किया है। नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण प्रदेश के अंदर अनेक चुनावों में, अनेक संस्थात्मक कार्यों में लगातार विस्तार रूप ले रही है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष और बहुत छोटे समय से, मतलब बहुत लंबे कालखंड से और बड़े छोटे थे ये भी, और मैं भी उस समय नया नया था, लगभग 20-25 साल पहले से मेरा इनसे परिचय है। एक छोटे भाई के नाते भाई समीर आर्या जी प्रदेश अध्यक्ष, और इन्होंने बहुत विस्तार से राज्य और देश के अंदर अनुसूचित वर्ग में किस प्रकार से आज काम हो रहा है बहुत विस्तार से आप सबके सामने रखा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बहन रेखा आर्य, हमारे प्रदेश महामंत्री अरण्य आदित्य कोठारी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई देशराज करनेवाल जी, बहन स्वराज विद्वान जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई शक्तिलाल जी, भाई भुवनेश्वर लाल जी, भाई राजकुमार सोरी जी, भाई गोपाल राम चंता जी, हमारे बहुत ही धर्मगुरु रविदास आर्य, और हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, हमारा बड़ा साथ है। आज एक बार आज से लगभग 19-20 साल पहले मैं और ये एक ही साथ ये अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष थे और मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था। हमें साथ साथ भ्रमण करते थे आदमी सुरेश राठौर जी, प्रदेश महामंत्री भाई शशिपाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष रुद्रप्रयाग बहन अमरदेवी शाह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी बहन शांति देवी जी एवं मेरे सामने बैठे हुए सभी, हमें सुनील जी गामा साहब हमारे जो है बैठे हैं, मुनि देवी जी हैं, हमारे मोगा जी भी युवा मोर्चा के थे, जुवाठा जी, अपने
साथ जी ने किस किस का नाम लो, हिंदी अभी जो है हमारी पुष्पा जी समेत शांति जी तो नहीं है, तो सभी हमने एक तरफ से उपस्थित हमारे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी प्रतिनिधिगण जो संपूर्ण समाज की क्रीम, यहाँ बैठे मैं क्रीम कह सकता हूँ, बिल्कुल क्रीम कहने में कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है, क्रीम जान रहे ना आप लोग क्या होती है, क्रीम कैसे बनती है, सबके बाद जब सब नीचे चला जाता है उसमें से जो सबसे ऊपर आता है, जो समाज के सबसे ऊपर होता है यानी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, समाज को नेतृत्व देने वाले, ऐसे हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, आप सब इस महासम्मेलन में भारी संख्या में पधारे हैं और मेरे यहाँ पहुंचते ही जिस प्रकार आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया है, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था क्योंकि इस दौरान आप सब जानते हैं बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम, चुनाव के कार्यक्रम, इन सब कार्यक्रमों के कारण से मैं संगठन के कार्यक्रमों में बहुत जगह इच्छा होते हुए भी, महेंद्र जी का ये रहता है कि जहां भी ये उचित समझते हैं मुझे बुला लेते हैं और मेरा भी स्वयं भी मन होता है कि अपने संगठन के लोगों से मिलूं, उनसे बात करूं, उनसे कोई फीडबैक मिले तो उस फीडबैक को कहीं ना कहीं सरकारी जो हमारे कार्यक्रम है, सरकारी काम है, उस कामों में भी अमल में लाऊं और जिस जिले में भी मैं जाता हूं उस जिले में मैं कोशिश करता हूं कि पहले संगठन के कार्यकर्ताओं से जरूर एक बार मिलूं। ये मैंने अभी शुरू किया है, जहां भी जाता हूं तो एक बार पहले कोशिश करता हूं कि अधिकारियों की बैठक होने से पहले आप सब लोगों से बात करूं, जिससे आप सब लोगों से जो फीडबैक मिलता है उस फीडबैक के आधार पर आगे काम करना आसान होता है और उसके कारण से बहुत सारी चीजें हम लोगों की परस्पर संवाद से आगे बढ़ती है और संवाद होने के कारण से जो परेशानियां होती हैं, कई बार कुछ कंफ्यूजन होते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों आप सब जानते हैं कि हमारे पांच राज्यों के चुनाव थे, उन पांच राज्यों में से अनेकों जगह पर मुझे भी पार्टी ने एक कार्यकर्ता के नाते वहां पर ड्यूटी दी थी, तो मैं वहां गया और फिर इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो आयोजित की, जिसके बारे में अभी सब लोगों ने आपको बताया, उसके कारण से भी अत्यधिक व्यस्तता थी। फिर 17 दिन सिलक्यारा में और जो एक तरह से बहुत बड़ा संकट हमारे सामने था, ये बहन सुषमा स्वराज जी लगातार, स्वराज विद्वान जी लगातार वहां जमी रही है और मैं सच बताऊं तो बहुत सारे लोगों को देखकर बड़ा वहां पर बहुत अच्छी ऐसी स्थिति थी कि कहीं भी कई बार ऐसा होता था कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन मैं देखता था कि जब भी मैं वहां पहुंचता था तो ये हंसते हुए कहती थी भाई साहब ये हो जाएगा। तो बड़ा हौसला मिलता था और जब मैं अंदर मजदूर भाइयों से बात करता था तो जब वो कहते थे कि आप बाहर की चिंता करिए, अंदर की चिंता मत करिए, तो मतलब जब कई बार ऐसी स्थिति आई वहां भी कि पहले दिन लगा हमको कि अब निकल जाएंगे, फिर दोबारा लगा 2-3 दिन में निकल जाएंगे, फिर लगा ऐसे करते करते 5-7-8 बार हुआ, कभी 18 फुट गया, 18 मीटर गया, फिर 21 मीटर गया, फिर 32 मीटर, 33 मीटर पर अटक गया, फिर 38 मीटर पर अटक गया, फिर 48 मीटर पर तो पूरी मशीन ही ध्वस्त हो गई। जिस दिन हम सोच रहे थे अभी कुछ घंटों में निकलने वाले, और
आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हुई, पूरा एकदम काम करने वाले लोग, ये लोग, वो लोग, सब लोग बहुत ही हतोत्साहित हो गए। और मुझे लगा कि सबसे ज्यादा हतोत्साहित अब मुझे लगता है कि अंदर हमारे जो मजदूर भाई है वो हो रहे होंगे, जिनको ये लग रहा था कि अब हम कुछ घंटों में बाहर निकलने वाले हैं और उनके लिए अब कई दिन लगेंगे, और तब भी अभी रास्ता नहीं सूझ रहा था कि अब क्या करें। ये बात मैंने इसलिए बताना जरूरी समझा कि वो बहुत कठिन था, और ये स्वराज जी यहां नहीं बैठी होती तो शायद मैं इसका जिक्र भी नहीं कर पा। तो मैंने जब उनसे बात करी अंदर जाकर, मेरे मन में विचार आया कि चलो काम जो भी होगा हो जाएगा, अभी चल खाना उनके लिए पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, लेकिन उनके अंदर उत्साह है कि नहीं है, कहीं कम तो नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए खाना पानी थोड़े दिन के लिए न मिले तब भी चल जाता आदमी, लेकिन अगर मन खराब हो जाए या मन हतोत्साहित हो जाए तो आप इतना ही मानिए कि फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही मैं अंदर गया और मैंने गब्बर सिंह नेगी को फोन मिलाया, मैंने कहा बात करवाइए मेरी सबसे पहले, तो लोग बोल रहे थे साहब अरे अंदर क्या करेंगे, अभी हिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहां काम चल रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं चलिए मैं अंदर पहले अंदर चलता हूँ। जैसे अंदर गए हम लोग सब लोग, मैंने जब बात करी तो उसने कहा राम राम सर, बड़े जोर की आवाज आई उसकी। तो मैंने कहा गब्बर भाई ये आपको तो पता ही है अभी आप लोग 56-57 मीटर पर हो, क्योंकि आप तो इसके अंदर ही काम करते हो, और ये मशीन जो है पाइप 48 मीटर पर आ गया है और अभी ये कुछ खराब हो गया है, कुछ मशीन भी डैमेज हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब कुछ समय लगेगा। मैंने कहा 3-4 दिन लग सकते हैं अभी, अब मैंने एकदम से नहीं बोला कि 5 दिन लगेंगे 6 दिन लगेंगे, तो मैंने कहा 3-4 दिन लग सकते हैं। तो बोला अरे साहब 3-4 दिन की बात क्यों कर रहे हैं आप 10 दिन लगाइए, लेकिन जो है आप हमको निकाल लेना, सुरक्षित निकाल लेना। तो मैंने कहा बिल्कुल आप चिंता मत करिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी आप लोगों की बहुत चिंता कर रहे हैं, रोज जानकारी ले रहे हैं, और हम बोकनाथ बाबा से देवता से भी वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, और दोबारा दूसरे वालों से बात करी, उन्होंने भी कहा कि नहीं साहब आप चिंता नहीं करिए, आप बाहर देखिए अंदर हम सब ठीक हैं। तो अब मैं बता रहा हूं कि इतना हौसला बढ़ा, और आप सब लोगों ने दुआएं करी, सबने प्रार्थनाएं करी, और भगवान की कृपा से सुरक्षित 17 दिन बाद आए और सब हंसते हुए आए स्वस्थ। तो ये सब ऐसे काम कई सारे बीच में आ गए तो उसके कारण से नहीं हो पाया। भाइयों बहनों, जब भी हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अनुसूचित और दलित और बनवासी समाज के लिए, उनकी अस्मिता और अस्तित्व के लिए और समाज में सबको एक बराबर खड़ा करने के लिए, क्योंकि इसके पीछे उनका हेतु था कि समाज में और परिवार में हर वर्ग बराबर होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने संविधान में 15-1, 15-4 इस सब की व्यवस्था की थी। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, मैं भी किसी समय विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो उस समय मैंने थोड़ा ये आरक्षण व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं जो चालू हुई उसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया, लॉ का विद्यार्थी होने के नाते भी। तो जो भी उन्होंने सोच देश के सामने रखी, एक परिवार है तो परिवार के अंदर सब भाई बराबर होने चाहिए तभी परिवार भी अच्छा चलेगा, तो उस सोच को आगे बढ़ाने का काम, उसको धरातल पर उतारने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाजपा और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने जो स्वप्न देखा था, जो संकल्प लिया था, वह एक संकल्प ही नहीं था बल्कि वो मंत्र था, और उस मंत्र को लगातार धरातल पर उतारने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का सिद्धांत हमारे सामने रखा कि समाज में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा जब अंतिम जो पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है तभी राष्ट्रोदय होगा, यानी कि अंत्योदय से राष्ट्रोदय होगा। और उसका हमारे सामने आप सब लोगों ने देखा कि मोदी जी के बनने के बाद, देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पहले के समय में कौन लोग
राष्ट्रपति बनते थे उनके नाम तय होते थे, कौन राज्यसभा में जाएंगे उनके नाम तय होते थे, बाबा साहब को भारत रत्न मिलने में कितने दिन लग गए ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब राष्ट्रपति कौन बनते हैं, जिनका नाम उस समय कहीं नहीं होता है, रामनाथ कोविंद जी बन जाते हैं। अब राष्ट्रपति कौन बनती है, द्रौपदी मुर्मू जी बनती है। किस समाज से आती है, रामनाथ कोविंद जी किस समाज से आते थे, तो उन सबको आगे लाने का काम। और अभी छत्तीसगढ़ में कल जो मुख्यमंत्री बने हैं आदिवासी समाज से बने हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह अवसर जो है हमारे महापुरुषों के सपनों को साकार करता है, साथ ही भारत के जो लोकतांत्रिक मूल्य आदर्श है उसका पूरी तरह से सबसे अच्छा सम्मान कोई हो सकता है तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और हमारी भी जो डबल इंजन की सरकार है, हमारा संकल्प है, जैसा भाई ने समीर ने कहा कि हमने बैकलॉग की बात करी है शुरू से, ये केवल बात ही नहीं करी है, ये हमारा संकल्प है कि हम इन सब चीजों को उपरेंगे। रेखा आर्या जी ने बहुत विस्तार से आप सबके सामने रखा था किस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाया है, किस प्रकार से उनको आउटसोर्स में से लेकर और अभी जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हम कर रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा रोजगार का सृजन होगा, लाखों का सृजन होगा, लाखों रोजगार आएंगे, हम उसमें भी व्यवस्था करने वाले हैं, उसमें भी हम करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों का लाभ है। पुष्कर धामी जिंदाबाद। देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जो इस वर्ग का अनुसूचित वर्ग का जो योगदान है उसको कौन भूल सकता है। अगर हम कभी भी इनका स्मरण करेंगे तो हमें आएगा कि इस वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और भाजपा सरकार विशेष रूप से मोदी जी के प्रत्येक ऐतिहासिक कार्यों का कुछ लोगों ने हमेशा विरोध किया है और कई बार वो विरोध करते करते भूल जाते हैं कि वो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं और मोदी जी का विरोध करते करते भारत का भी विरोध करना शुरू कर देते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा और ऐसे जो अनुसूचित सम्मेलन है इन सम्मेलनों का भी विरोध करते थे, आपको पता है इन सब बातें सही तरह से। ऐसे आयोजनों पर भी ऐतराज उनको होता था, ऐसे पद भ्रष्ट लोगों को अनुसूचित समाज द्वारा जो भारत के नवनिर्माण में योगदान किया जा रहा है उसकी जानकारी नहीं, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते थे। आज चाहे हमारा अनुसूचित समाज हो चाहे जनजाति समाज हो, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की जानकारी से हमेशा देश को अंधेरे में रखने का काम किया, हमेशा देश के अंदर तुष्टिकरण को बढ़ावा देने का काम किया, हमेशा समझौते करने का काम किया। और ये काम उन्होंने किया जिन्होंने देश के अंदर 60 सालों तक शासन किया। उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैंने आज शर्मा आपसे लूंगे विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।